Let's begin. हाय फ्रेंड्स, हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एडवांस वेस्ट सेग्रीगेटर। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कैशबैक, मॉइस्चर सेंसर, मेटल सेंसर, ओके। और इसके अंदर हम कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक कैपेसिटिव सेंसर, पेपर सेंस करने के लिए IoT ऐड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, कुछ डाटा रिसीव ट्रांसमिट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास GSMS के अंदर गैस सेंसर है, और कुछ डीकम्पोज अगर वेस्ट हो रहा है उसके लिए सेंसर लगा सकते हैं। ये चीज़ें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो मेन अभी इसके अंदर हमने कैशबैक, मॉइस्चर और मेटल का यूज़ किया हुआ है, और हमारा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे आर्डिनो यूज़ हो रहा है। ओके, तो प्रोजेक्ट की वर्किंग दिखाने से पहले मैं कुछ कंपोनेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, और उसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ किस तरीके से इसको बनाया गया। सबसे पहले हमने एक MDF बोर्ड लिया है, ओके। ये कुछ अराउंड आपका 1.5 फुट बाई 2 फुट होगा, ओके। उसके बाद हमने एक सर्कुलर, कोई आप एक घर में कोई बकेट रख के काट सकते हो वुड को, और साइड से अपना क्या कहते हैं ग्राइंडर से यूज़ कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो। उसके बाद 3 बॉक्स लिए, उसके अंदर बॉक्सेस के अंदर हमने इसको बनाया कि एक को हमने मेटल लिख लिया मेटल बॉक्स, एक को लिख लिया हमने वेट के लिए जो ग्ली चीज़ है हमारी, और एक को हमने लिख लिया है अपना अदर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर एक RFID कार्ड यूज़ किया है, यहाँ पे कार्ड रीडर जो कि 13.56 फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है, ओके। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी यूज़ हो रही है जो कि हमारी है 12 वोल्ट की और 1500 mAh। उसके बाद हमारे पास एक IR सेंसर यूज़ हो रहा है, ओके। IR सेंसर के सामने अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको डिटेक्ट करेगा, तो ये कंफर्मेशन है कि चीज़ हम डाल चुके हैं इसके अंदर, इसलिए IR सेंसर है। कुछ वीडियो कुछ क्लिप में यहाँ रखा होगा, कुछ वहाँ रखा होगा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रख के दिखा दूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअल में इसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट, ये काउंट जीरो कितनी बार हमने चीज़ें डाली है वो दिखाएगा इसके अंदर, कोडिंग के थ्रू हुआ ये काम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मॉइस्चर सेंसर का एम्पलीफायर है, और उसके बाद यहाँ पे मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हो ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में, ये वीडियो में क्लियर आ रहा है तो। और यहाँ पे एक मेटल सेंसर है कि मेटल को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर मेटल की है तो डिटेक्ट कर सकती है, नहीं है तो मैं मेटल की चीज़ लगाता हूँ। यहाँ पे कोई मेटल की चीज़ देखो, जैसे ही हो गया, ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे रेड कलर की लाइट जलेगी, यहाँ पे देख रहे हो पीछे की तरफ, ओके। तो ये मेटल सेंसर की टेस्टिंग है, और ये आउटपुट देगा वो हम माइक्रो कंट्रोलर में ले लेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मॉइस्चर वाला सेंसर, वो मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे आप रेन सेंसर नाम से इसको मार्केट से खरीद सकते हो, तो ये चीज़ गिराओगे तो इसकी कनेक्टिविटी होगी, और वो उससे सेंसर के थ्रू एम्पलीफाई करके उसका एनालॉग आउटपुट यूज़ करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर भेज देंगे जो कि यहाँ पे लगा हुआ है नैनो। आप नैनो यूज़ कर सकते हो, नैनो यूज़ करते हो, रेडमी पाई यूज़ कर सकते हो, कोई भी सेंसर यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है बैटरी, और ये प्रोजेक्ट की कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और ये PVC पाइप है जो हमने यूज़ कर रखी है, ये अराउंड आपकी 4 इंचज पाइप है, ओके। और यहाँ पे एक होलो पाइप है, एक वाई शेप का पाइप ले रखा है, ऐसे लगा रखा है, ओके। तो इस तरीके से ये इस तरह की सारी चीज़ें, और क्या क्या इसके अंदर, मैं दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट को। और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे MDF मटेरियल लेके स्क्रू करके टाइट कर दिया ताकि ये स्टेबल रहे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में मैं बताता हूँ, वर्किंग बताता हूँ कि वर्किंग कैसे शो करनी है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप कोई चीज़ रखोगे जैसे कार्ड हो गया, तो कार्ड को आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ये कार्ड दिखाया आपने, कार्ड दिखाते हैं यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगी, आप बहुत सारे कार्ड अराउंड कर सकते हो, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कार्ड होंगे, ओके। उसके बाद आपने कोई चीज़ डाली, ऐसे मान के चलो आपने कोई वेस्ट डाला है, अदर्स डाला है आपने, तो नहीं समझ में आएगा इसको, तो अदर्स IR सामने रख देना, और एक मोटर अंदर खुलेगी और वापस सीधा हो जाएगी और चीज़ें नीचे ड्रॉप कर देगी अदर्स में। ऐसे ही मेटल डिटेक्ट होगा, तो मेटल में कैसे, सामने की तरफ यहाँ पे कार्ड लगाओगे पहले, उसके बाद यहाँ पे मेटल की जो चीज़ है वो रखोगे, और IR सेंसर के सामने साइमल्टेनियसली चीज़ को
कुछ करोगे तो वो सेंस कर लेगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई चीज भी आई है सामने, आई है सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है ऑब्स्टिकल को, उसके बाद वो मेटल के बेस पे चला जाएगा। वेट सेंसर में क्या करना है कि वेट सेंसर में हम लोग कोई गीली चीज यूज करेंगे जो वेट होगी, तो मैंने उसको बॉल की शेप पे बना रखा ताकि आराम से लग के सर्कुलर होकर गिरे। तो उस केस में मैंने क्या किया, मैंने एक नैपकिन लिया है, उसको गंदा पानी में डाल दिया है या फिर पानी में या फिर कोई भी चीज़ में गीला हो वो, और उसके बाद यहाँ पे पुटअप किया, ठीक है। और उसके बाद आई आर सेंसर के सामने हाथ लगाया, ठीक है। आई आर सेंसर के सामने जब हाथ लगाओगे तो वो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि कोई चीज़ आई है, और वो देखेगा क्या चीज़ आई है, वो मेटल नहीं है, वो अदर्स भी नहीं है, वो एक मॉइस्चर सेंसर पर चीज़ सेंस हुई है, उसके बाद मॉइस्चर वाले डब्बे में गिर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से चीज़ होगी इसके अंदर। Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lives and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before next my eyes. Watching all this time. Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. और यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, और यहाँ पे मैंने एक सर्किट यूज किया 7805 का। और एक चीज बहुत ध्यान देनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि जो हमारे पास सर्वो मोटर यूज हो रही है, सर्वो मोटर में सब में कनेक्शन अलग से डेडिकेटेड 5 वोल्ट देने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है। Watching all this time flip.